गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप सभी पहली कक्षा में हो और आप हमारा हिंदी का पीरियड है ना? हाँ। तो हिंदी का पीरियड आपको बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे मालूम है हिंदी का पीरियड आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जो इससे पहले हमने क और ख वर्णों की पहचान की थी, है ना? हाँ। तो आज हम उसके आगे के वर्णों की पहचान करें। तो हमारे आगे के वर्ण कौन से हैं? आपको पता है? हाँ, हमारे आगे के वर्ण है ग और घ। तो बच्चों, यदि आप अपनी किताब निकालोगे, देखो हमारी ये जो किताब है, ये बुक आप निकालो। हाँ, इस पर आपको यह दिखाई देगा, 26 पेज नंबर पे ग वर्ण आपको दिखाई देगा और इसके बाद आएगा घ वर्ण। हाँ बच्चों, तो देख, घ से गमला, गमला। तो ये क्या है? गमला। ग से गमला। तो ग से गाजर, ग से गणेश जी, ग से गुड़िया, ग से गधा, ऐसे कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों? तो आपको अभी क्या करना है, हमारे इस नोटबुक में पेंसिल से अच्छे हस्ताक्षर में आपको ये ग सुंदर हस्ताक्षर में लिखनी है। ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है आपको मालूम है? हाँ। तो यहाँ पे आपको पेंसिल से कुछ फ्लावर्स जो है ड्रॉ करने हैं, यानी कि फूल के चित्र निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है? और उनको आपको कलर देना है। हाँ। और कलर देने के बाद यहाँ पे आपको ग यह वर्ण अच्छे गुड हैंडराइटिंग में लिखना। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चलो बच्चों, हम ग से गमला की एक छोटी सी कविता बोलेंगे। ठीक है? ग से गमला घर में सजता खूब निराला। और एक बार, ठीक है, आप भी मेरे साथ गाओ। हाँ। ग से गमला फूलों वाला घर में सजता खूब निराला। तो ये गमला कहाँ रखा है? घर में रखा है। और इसमें बहुत सारे फूल होते हैं, है ना? होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो आपको आज कौन से वर्ण की पहचान हुई है? ग से गमला। इसके आगे हम देखेंगे आगे का वर्ण जो है हमारा घ से घड़ी। कौन सा वर्ण है? घ से घड़ी। तो बच्चों, ये घड़ी आपने देखी है? आपके घर में घड़ी होगी? हाँ। जब हमें जल्दी उठना होता है तो हम क्या करते हैं? इस घड़ी में अलार्म लगाते। हाँ। और अलार्म बजने के बाद हम सुबह जल्दी उठते हैं, है ना? हाँ। तो ये जो घड़ी होती है, ये टेबल पर रखी जाती है। कुछ घड़ियाँ दीवार पे लगाई जाती है और कुछ घड़ियाँ हाथ में बांधी जाती है। ठीक है? और ये घड़ी हमें क्या बताती है? हाँ, ये घड़ी हमें समय बताती है कि कितना टाइम हो गया। ठीक है बच्चों? तो घ वर्ण से घड़ी की शब्द की शुरुआत होती है। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, घ वर्ण से सिर्फ घड़ी, ये एक ही शब्द है क्या? बोले घ से घड़ा, घ से घोल, ऐसे कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है घ वर्ण से। ठीक है बच्चों? तो अभी हम एक छोटी सी कविता बोलेंगे। हाँ। तो चलो बोलो मेरे साथ। घ से घड़ी समय बताती, कभी न रुकती चलती जाती। घ से घड़ी समय बताती, कभी न रुकती चलती जाती। यानी कि घड़ी हमें क्या?
क्या बताती है, कितने बचे हैं, समय कितना हुआ है, ये बताती है और वो कभी भी रुकती नहीं, हर वक्त बताते रहती। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहाँ आपको घ लिखकर अच्छे गुड हैंडराइटिंग लिखना है। हाँ, इसके बाद आपको एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी क्या है देखो, तो ये जो डॉट दिए हुए है, बिंदु दिए हुए है, ये आपको अच्छे से पेंसिल से जोड़नी है। हाँ, और उसके बाद इस लुगड़ी को अच्छे से कलर करना है और यहाँ पे आपको घ वर्ण लिखना है। ठीक है बच्चों? और ये सब आप कैसे करोगे, अच्छे से करोगे। और जो मेरे बच्चे अच्छे करेंगे उनको मैं क्या देने वाली हूँ, हाँ उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो किन बच्चों को स्टार चाहिए? सभी बच्चों को चाहिए स्टार। हाँ बच्चों, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अभी हमने दो वर्णों की पहचान की है, ग वर्ण की और घ वर्ण की। तो इस तरह से आपके पास यह नोटबुक है ना सबके पास? हाँ, तो इसमें भी आपको ग वर्ण और घ वर्ण अच्छे हस्ताक्षर में लिखने हैं। हाँ बच्चों, इसके बाद हमारी बारी आती है हमारे वर्कशीट की। हाँ, तो हमारी वर्कशीट तो बिल्कुल आसान रहती है, होती है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो, यह जो वर्कशीट है इसमें आपको गुड हैंडराइटिंग में ग लिखनी है। ठीक है, और यहाँ इस और इस वर्कशीट में आपको घ वर्ण लिखना है और आपका हस्ताक्षर किस प्रकार होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए ताकि आपको मैं क्या दे सकूं, स्टार दे सकूं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, देखो घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ी। तो आप जब ये सब वर्ण लिखोगे तो आपको मुझसे बोलना है घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ी, इस तरह से बोल बोल कर आपको क्या करना है, वर्ण लिखने। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।